सो गाइस मैंने जो एडिटिंग करी है, जो अपने टी शर्ट मैंने गायब कर लिया, इसके पहले मैं आपको कुछ रॉ फुटेज दिखा देता हूँ। देख सकते हैं मैंने अपने टी शर्ट बदली है, उसके ऊपर व्हाइट टी शर्ट पहने हैं। फिर गाइस मैं कुछ मंत्र का कुछ ढकोसला कर रहा हूँ एंड गाइस फिर मैं अब टी शर्ट अपनी उतार लेता हूँ। एंड गाइस उतारने के बाद मैं एक दूसरी टी शर्ट पहनूंगा, यही टी शर्ट नहीं पहनूंगा, लेकिन मैं अपनी जहाँ पर खड़ा हूँ मैं उधर की पहले एक बार मार्किंग के लिए कुछ चप्पल रख लेता हूँ, ताकि मैं एक वापस आकर उधर ही खड़ा हो सकूँ। लेकिन अगर आपके पास अगर कोई और एक और पर्सन हो सकता है तो वो आप उससे टी शर्ट ले सकते हैं। मेरे पास, मैं भी इधर अकेला था इसलिए मैं गया, टी शर्ट उठाई, मैंने टी शर्ट पहन ली एंड जहाँ पे मैं खड़ा था वापस उसी जगह पे मैं एकदम सेम एज पोजीशन में खड़ा हो जाता हूँ। देख सकते हैं मैं बिल्कुल भी उधर से हिलता नहीं हूँ एंड वापस से वही एकदम बूम वाला ढकोसला करता हूँ ऐसे लाइक। एंड फिर गाइस मैं एक्टिंग करता हूँ लाइक कि मैं सच में गायब हो गया, मैं अपनी टी शर्ट वगैरह दिखाता हूँ एंड ऐसा एज्यूम करता हूँ कि मैं गायब हो गया। तो गाइस अब चलते हैं अपनी एडिटिंग ट्रिक पे। तो गाइस अब बारी एडिटिंग की, तो एडिटिंग के लिए देख सकते हैं मैं काइनमास्टर एप्लीकेशन में आ चुका हूँ एंड गाइस मैं अपनी वही वाली वीडियो पूरी इंपोर्ट कर लेता हूँ। जो मेन सीन आपको बताता हूँ जहाँ पर मैं अपनी अपने टी शर्ट को इनविजिबल कर लिएगा। गाइस पहले अपनी ये सब मैं साइड करता हूँ इसको, जहाँ पर मैं अपनी मेन वीडियो पर आता हूँ जहाँ पर मैंने बूम बोल के एंड फिर गाइस वो उसको गायब हो गया मैं इनविजिबल, वो वाली आपको ट्रिक बता दूँ। तो गाइस देख सकते हैं मैं इधर आ गया एंड मैं इधर वो वाली क्लिप एक बार ढूंढ लेता हूँ जहाँ पर जैसे मैं बूम बोलता हूँ। यस बस इधर ही हैगी, बस वेट अ मिनट, यस ये वाली। तो जैसे ही मेरा हाथ पे गाइस ये क्लैप होने वाला है, उससे एकदम पॉइंट सेकंड्स पहले, क्लैप होने से बस कुछ सेकंड पहले, आवाज़ भी नहीं आनी चाहिए, उधर ही मेरे को अपनी ट्रिम कर लेनी है। तो एक बार अच्छे से मैं देख लेता हूँ, यस एंड गाइस इसके बाद से ही हमको वो वाली क्लिप जोड़नी है कि जैसे मैं दूसरी ग्रीन स्क्रीन वाली नॉर्मल क्लैप कर रहा हूँ, तो दोनों को एक ऐसे लगना चाहिए कि मैंने वाइट में क्लैप मारा एंड गाइस ग्रीन पर आ गया। एंड गाइस अगर आप ग्रीन कपड़ा ही पहन के ये एडिटिंग करेंगे तो गाइस एकदम अमेजिंग आपकी होने वाली है, जैसे कि मेरी हुई है वीडियो में। तो ये आपसे आशा करता हूँ कि आप ग्रीन ही पहने। तो देख सकते हैं अब जैसे मैं क्लैप मार रहा हूँ वैसे गाइस मैं ग्रीन में आ चुका, मैंने दोनों को ऐसे ट्रिम कर लिया हो कि वाइट के बाद डायरेक्ट ग्रीन में एक ही क्लैप में मैं इसे कन्वर्ट हो जा रहा हूँ। गाइस थोड़ी बहुत अच्छे से एकदम इसको पूरा जूम इन कर लेना अपने प्ले हेड को एंड फिर गाइस ऐसे ट्रिम करना कि एकदम क्लैप ऐसा ना हो कि आपके दो क्लैप पटपट ऐसे सुनाई दे, एक ही क्लैप में आपके वाइट से सिंपल ग्रीन आ जाए एंड पोजीशन वही रहेगी। तो गाइस किसी को धोखा नहीं होगा एंड गाइस वीडियो जो आपने रॉ फुटेज बनाई है, आपने जो शूट किया है, वो कैमरा एकदम स्टेबल जगह पर होना चाहिए, कैमरे को वहाँ से हिलना होना नहीं चाहिए एंड एक्सपोजर अगर आप लॉक कर देंगे तो बहुत ही बढ़िया, क्योंकि गाइस आपका ये दो उस पार्ट में होएगा। एक्सपोजर की अगर प्रॉब्लम हो जाएगी तो हल्का सा कुछ फिनिशिंग वगैरह प्रॉब्लम आ जाएगी। तो चलिए मैं थोड़ी बहुत इसको अच्छे से कर लेता हूँ एंड बस हो गया। तो गाइस वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो प्लीज़ एक बार लाइक जरूर कर देना, ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा, ऐसे एडिटिंग मैजिकल वीडियो। तो गाइस प्लीज़ यार लाइक जरूर कर लेना, मुझे आपकी बहुत ज़्यादा जरूरत है, आपके एक लाइक के मोटिवेशन मिलता है गाइस क्योंकि, एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना हमारे चैनल स्मार्ट टेक को, ताकि आने वाली वीडियोज़ के ऐसे सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो गाइस देख सकते हैं मेरा ये हो चुका है एक क्लैप वाला एडिशन एंड गाइस आपको अब आपको करना क्या, अब आपको एक सिंपल खाली स्क्रीन की एक फुटेज ले लेनी है, वो चाहे तो आप क्लिक कर सकते हैं या फिर वीडियो में से एक सेव कर सकते हैं। देख सकते हैं जहाँ पर से मैं इधर से हटता हूँ, एक मिनट है खाली है पूरी अभी स्क्रीन, मैं इधर एक वो ले लेता हूँ, इधर से कैप्चर स्क्रीन कर लेता हूँ, यस स्प्लिट एंड इंसर्ट फ्रेम एंड गाइस इसको सेव भी कर लेता हूँ ताकि क्या पता आगे भी ज़रूरत पड़ जाए। एक मिनट, यस कैप्चर एंड सेव, गाइस मैं इधर सेव कर लिया हूँ एंड गाइस अब इसको इधर ले आना है, इसको हमें उसी क्लैप से पहले लेकर जाना है इस वाली क्लिप को। तो चलिए इसको हम उधर लेके चलते हैं एंड जहाँ पर गाइस मेरा क्लैप होएगा मैं उधर लगा दिया हूँ एंड क्लैप करते देख सकते हैं ये वाली स्क्रीन आ गई, यानी कि खाली स्क्रीन। गाइस देख सकते हैं ऐसा लग रहा है कि मैं तो गायब हो गया, इट्स अनदर मैजिकल वीडियो। देख सकते हैं क्लैप होने से पहले मैं इधर गायब हो गया, इसको मैं अच्छे से इसको थोड़ी सी इसका साइज़ बड़ा कर लेता हूँ, एक मिनट इसको मैं आगे की ओर खींच लेता हूँ एंड गाइस अब जो सेकंड वाली जो वीडियो है जिसमें मैं ग्रीन स्क्रीन में क्लैप कर रहा हूँ, ग्रीन स्क्रीन नहीं कह सकते, ग्रीन टी शर्ट में जिसको क्लैप कर रहा हूँ, उसको आप डुप्लीकेट ऐसे लेयर करके इसके नीचे ले आइए एंड गाइस अब आपको तो लगभग समझ ही गए होंगे कि अब इधर काम है क्रोमा की का। तो गाइस इधर आपको क्रोमा की ऑन कर लेना आएगा नीचे वाली लेयर का, पहले हम इसको एक बार
फुल स्क्रीन पे कर लेते हैं, एक मिनट। यस ये फुल स्क्रीन हो गया गाइस, अभी इधर आपको कर लेना हैगा यस क्लैप होते मैं इधर ग्रीन टी शर्ट पर आ गया हूँ। यस एकदम गाइस अमेजिंग, देख सकते हैं कितना एकदम परफेक्ट मैंने इसको फिनिशिंग दे रखी हैगी। इधर मैं ऑन कर लेता हूँ क्रोमा की, कलर की कलर चूज करता हूँ अपना ग्रीन जो कि मेरे टी शर्ट का आएगा। एंड गाइस अब इधर मेन बात आती है की कलर की। गाइस अगर आपने अपने की कलर सही चूज कर रहा होगा, एकदम परफेक्ट दोनों से मैच रखा होगा टी शर्ट सही, तो गाइस इधर आपको बहुत बढ़िया से आपका क्रोमा की इधर इफेक्ट होगा। एंड गाइस डिटेल कर्व में भी जाकर आप इसको अच्छे से एक फिनिशिंग दे सकते हैं ताकि जो एकदम बॉडी के जो आउटसाइड में जो कर्व होता है वो सब ना दिखे। एंड मास्कअप भी कर सकते हैं गाइस। होप आपको वीडियो अच्छी लगी गाइस, प्लीज़ एक बार इस वीडियो को बस लाइक जरूर कर देना। एंड गाइस शेयर जरूर करना अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ, एंड उनको भी ऐसे मैजिकल वीडियो आप चाहे तो ऐसे टाइप की रील्स वगैरह भी बना सकते हैं इसी में ही। एंड गाइस मैंने तो ऐसे करे, आप मेरे से और भी बेहतर कर सकते हैं बढ़िया से वीडियो आपने क्योंकि समझ ली है। तो गाइस वीडियो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि गाइस हमें मोटिवेशन की बहुत जरूरत है, सख्त जरूरत है। एंग्रोटिक स्मार्ट टेक सॉरी। बिना देरी करें इस वीडियो को आप लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब टू स्मार्ट रितिक।